सोलन अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिला आने के बाद उसके संपर्क में आए चिकित्सक समेत 31 कर्मचारियों को आइसोलेट किया गया था। वहीं एहतियातन सोलन के अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम भी सील कर दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी के टेस्ट करवाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग इन सभी की रिपोर्ट को लेकर बेहद चिंतित था, क्योंकि अगर इनमें से किसी की भी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाती है तो सोलन वासियों के लिए खतरे की घंटी साबित होती। लेकिन सुखद बात ये रही कि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि सोलन अस्पताल में सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके लिए कल अस्पताल में सील किए गए वार्डों को सैनिटाइज किया जाएगा और पहले की तरह अस्पताल में कार्य चलेगा। उन्होंने बताया कि पिछले कल सोलन में 69 मामले कोरोना पॉजिटिव के आए थे, जो नालागढ़ क्षेत्र के थे, जिसमें से कुछ निजी उद्योगों के कर्मचारी थे तो कुछ आसपास के क्षेत्रों से आए थे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग आवश्यक कदम उठा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण ज्यादा ना फैले। ये हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में कल 69 केसेस हैं जो पॉजिटिव आए हैं। वो सारे के सारे केसेस जो हैं वो नालागढ़ से बिलोंग करते हैं, नालागढ़ और बद्दी से बिलोंग करते हैं, और डिफरेंट एरिया से, कुछ फैक्ट्री से के वर्कर हैं, कुछ ऐसे थे जो हमारे कम्युनिटी से आए हैं। और उसमें से 65 लोग हैं वो किसी ना किसी के कॉन्टैक्ट हैं। एक हमारी उसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है, और दो ऐसे लोग थे जो कि कम्युनिटी से आए हैं। और अभी तक जैसे कि हमारे आरएस सोलन में एक जो फीमेल पॉजिटिव आई थी वो यहाँ से रेफर होकर गई थी शिमला को, शिमला में वहां पर उसका टेस्ट हुआ था, वहां पॉजिटिव आई थी। उसके बाद हमारे को अपना गायनी वार्ड बंद करना पड़ा था। उसके कॉन्टैक्ट थे जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट हमारे 35 थे, स्टाफ के थे, कुछ उनके अटेंडेंट्स थे पेशेंट्स के, उन सबको मिला के हमने, और साथ में हमारे 108 के भी 3 कॉन्टैक्ट थे उसमें, इन सबका हमने टेस्ट किया था 5 दिन के बाद ये सारे के सारे नेगेटिव पाए गए हैं। आज इनकी रिपोर्ट आ गई है। अब 1-2 दिन हम अपने हॉस्पिटल को सैनिटाइज करके, जो कि गायनी वार्ड था, बाकी सारा हमारा गायनी वार्ड और ओटी हमारा नहीं चल पा रहा था ड्यू टू कि कॉन्टैक्ट थे उस दोनों जगह पे उनके, तो उनको सैनिटाइज करके मंडे से हम अपनी नॉर्मल रूटीन पे हम अपना एंटीनेटल वार्ड भी खोल देंगे।